नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला रात न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में दो दिन पूर्व जबलपुर एसपी टीके विद्यार्थी का ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हो गया था, जिसके बाद अब जबलपुर एसपी पदभार 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह को दिया गया है, जिसके बाद आज आदित्य प्रताप सिंह ने जबलपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर तैयारी उनके द्वारा प्रमुखता से की जाएगी। वहीं चुनाव के पहले त्योहार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर विशेष तैयारी जबलपुर पुलिस के द्वारा प्रमुखता से की जाएगी। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जबलपुर पुलिस तैयार है। वहीं त्योहारों में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। यातायात को लेकर भी आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। वहीं जबलपुर पहुंचने पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा नवागत एसपी आदित्य प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। जबलपुर में आपका स्वागत है हम सबकी तरफ से। मैं ये जानना चाहूंगा, चुनाव भी है अभी आगामी दिनों में और त्योहार भी है, तो जबलपुर के लिए क्या रणनीति होगी, क्या कानून व्यवस्था को लेकर क्या प्राथमिकता है? देखिए, अभी आने वाले करीब एक महीने में ही चुनाव है, तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार सभी तैयारियां की जाएंगी और आने वाले जो त्यौहार हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए प्रायोरिटी पर रहेंगे और इलेक्शन और जो अन्य लॉ एंड ऑर्डर है उनकी पूरी तरह से प्रिपरेशन की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि सभी जो आयोजन है वो शांतिपूर्वक है।